Now Vaseem will bowl a leg break ball in a tennis ball or big swing. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज हम आपको टेनिस बॉल पे कैसे गुगली करवाई जाती है वो आपको वसीम अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको ये तरीकाकार बताएंगे कि कैसे टेनिस बॉल पे जो है ना लेग ब्रेक में गुगली फेंकी जाती है। वसीम अनवर गाइड करें जरा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये मैं दिखा सकता हूँ कि ये सिंपल टेनिस बॉल है जिसके ऊपर एक वाइट टेप चढ़ी हुई है। इसमें ये होता है कि तकरीबन लेग ब्रेक हर बॉलर करा सकता है, लेकिन उसमें बीच में जो है एक बॉल जो वेरिएशन के तौर पर इस्तेमाल होती है गुगली या फ्लिप पर, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें जो होता है ये कि आपने बैक ऑफ द हैंड बॉल फेंकनी होती है, वो भी इतनी तेज़ फेंकनी होती है कि जो बैट्समैन है वो ये बॉल समझ ना सके। तो उसके लिए जो ये है कि हम ये सिंपल जो बगैर ग्रिप के हम एक टेप बॉल ले रहे हैं, उसके ऊपर हमने टेप इस तरह चढ़ाई हुई है जिसके ऊपर कोई ग्रिप नहीं है। आप देख सकते हैं ये बॉल सिंपल टेप बॉल इसको यूज करते हैं हम। तो इसमें जो बैक ऑफ हैंड फेंकने के लिए आपकी जो फिंगर पोजीशन है वो तकरीबन इस तरह की होनी चाहिए। Exactly. ये आपकी फिंगर पोजीशन होनी चाहिए, ये बिल्कुल जो शहादत वाली उंगली है ये बाल के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। चाहे आप बाल को इस तरह पकड़ें चाहे बाल को इस तरह पकड़ें, लेकिन ये बिल्कुल आपकी स्ट्रेट बाल होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये पोजीशन है। फिर इसको जब बैक ऑफ दी आप हैंड फेंकते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह बाल आनी चाहिए, ये चीज़ आपकी पोजीशन होनी चाहिए। इसमें यह है कि आपकी जो रिस्क की पोजीशन है इस पर आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। तो इसके लिए आप जो मैं सिंपल मेथड आपको बताता हूँ, ये तकरीबन हर जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो भी यूज़ करता है कि आप दिन में कम से कम 50 से 60 बार एक एप्पल लें, एप्पल की आप ग्रिप करें इस तरह और उसको इस तरह फेंकते रहें, इस तरह फेंकते रहें, इस तरह फेंकते रहें। फिर उसको आपने क्या करना है कि बैक ऑफ दी हैंड इस तरह फेंकें कि बाल आपकी तरफ वापस आए। जब आप प्रॉपर बाल आपके ऊपर वापस आएगी, बिल्कुल कहीं और साइड पर नहीं जाएगी, तो आपकी रिस्ट पोजिशन उसमें मजबूती आएगी रिस्ट में और वो आप सही तरीके से फेंक सकते हैं। अभी हम आपको दो तीन बालें फेंक के दिखाएंगे ट्यूटोरियल के तौर पर, तो आप देख सकते हैं कि हम बैक ऑफ दी हैंड बॉल फेंकेंगे और वो टेनिस बॉल पे, लेदर बॉल पे तो हर कोई कर सकता है, जो सिंपली हार्ड बॉल इस्तेमाल होती है उस पर आप कर सकते हैं क्योंकि उस पर ग्रिप बननी होती है। लेकिन टेनिस बॉल में जब आप किसी अच्छे प्लेयर के सामने जाते हैं और इस पर ग्रिप नहीं होती तो आपने सिर्फ अपनी रिस्ट पोजीशन की वजह से ये बॉल को टर्न करना पड़ता है। हम आपके सामने अभी गूगली और लेग ब्रेक के दरमियान हम आपको ये चीज़ दिखाएंगे कि क्या फ़र्क होता है। पहले हम आपको लेग ब्रेक बॉल फेंक के देंगे, फिर उसके बाद सिंपली एक गूगली बॉल फेंकेंगे, जो ये सीमट विकेट पे भी आप करा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो मड विकेट हो, ये सीमट विकेट पे भी आप करा सकते हैं। ये देखें, ये अभी आपके सामने एक सिंपली टेनिस बॉल है, इसमें जो हमारी ग्रिप होगी वो ये ग्रिप है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी ग्रिप है। इसको जब हम फेंकेंगे ये बैक ऑफ द हैंड बॉल आनी चाहिए, ये पोजिशन होनी चाहिए, तब जाके आपकी गूगली। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है इसमें वो बॉल की पिच है कि आप बाल कहाँ पे पिच करते हैं। अगर राइट एरियाज में पिच करेंगे तो फिर समझनी और शॉट मारनी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप शॉर्ट पिच या फुल टॉस फेंक देंगे तो फिर बैट्समैन के लिए इजी हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत और प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अभी हम मैं आपको एक जो है वो बॉल फेंक के देने लगा हूँ कि किस तरह बॉल फेंकते हैं। ये हमारी रिस्ट पोजिशन है, हम ये आपके सामने ये बॉल आपको बताएंगे। जब आप बॉल फेंकेंगे तो ये आपकी बैक ऑफ दी हैंड बॉल आनी चाहिए, ये पोजीशन होनी चाहिए बॉल, तो तब जाके आपकी गुगली सही जगह पे पिच होगी जो बॉल टर्न करेगी। अगर आप सिंपली लेग ब्रेक फेंकते हैं तो आपकी बॉल साइड हैंड से ये बॉल फेंकनी चाहिए आपको, ये चीज, ये आपकी रिस्ट पोजीशन होनी चाहिए और आपने बिल्कुल साइड से बॉल फेंकनी है, ये मिडिल फिंगर के साथ वाली फिंगर के जो दो ये उंगलियां हैं ये बॉल को ग्रिप करने के लिए हैं, जो बॉल टर्न करेगी वो आपकी इस उंगली से टर्न करेगी। परफेक्ट। गूगली दसे होने ला द बॉल विच विल बी इन। नाउ वसीम विल बॉल अ लेग ब्रेक बॉल इन अ टेनिस बॉल और बिग स्विंग।